चाचा कितने का है भुट्टा? 50 रुपए का एक। बड़ा महंगा लगा रहे हो यार। मतलब कि इतना हिस्सा है बस, इतना जितना ये दिख रहा है ना आपको, ये खेती के लिए है। बाकी बोला हाँ, इतनी दूर से कहाँ से हो? मैं बुलंद शहर से है। मेरे को हंसी आ रही यार, मैं अकेला होता हूँ यहाँ तक, यार इतनी दूर तक पहुँच गया यहाँ पे। हाँ स्पीति वैली, मैं बुलंद शहर यूपी से। आप कहाँ से हो? और कैसे हो आप? नहीं नहीं, हिचाइकिंग करके चलता हूँ मैं, लिफ्ट लेके पैदल चल के। अच्छा, यूट्यूबर हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। और आप कहाँ से हो? हम भदोही से हैं, ये दिल्ली से। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पास ही है सर, आए थे इधर घूमने के लिए, अभी जा रहा हूँ आगे स्पीति वैली, उसके बाद में फिर ले लद्दाख। जाओगे आप? चलो बढ़िया है। तो आप तो पैदल ही जाओगे? नहीं पैदल जाता हूँ, फिर लिफ्ट भी ले लेता हूँ, कोई मिल जाता है मेरे को तो लिफ्ट भी ले लेता हूँ। बाकी अभी व्यू बढ़िया था तो मैंने कहा थोड़ा पैदल चल लेता हूँ। कैसा लगा आपको? लोगों को बढ़िया? हाँ, एकदम बढ़िया। हम लोग मनाली में ठहरे हुए थे। अच्छा अच्छा, मनाली में किस जगह? मनाली में रुका था मैं 2-3 दिन के लिए उधर ही। अच्छा ओल्ड मनाली, चलो बढ़िया है। थोड़ा खाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। खाना तो ऐसे ही है, ये तो खैर है, ये ऐसे ही है। आप यहाँ से जो पास वास होता है वो बनवा रखा है आपने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बनवाया। कौन सा चैनल चलता है? मोहित राठी व्लॉग्स। अभी चल रहा है? हाँ हाँ। किस पे? यूट्यूब पे है। YouTube? हाँ, मोहित राठी व्लॉग्स। पास वगैरह कहाँ, आगे जाके बनवाना पड़ेगा? पता नहीं भैया, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि कहते हैं कि ऑनलाइन करो, उसके बाद में अगले दिन के लिए। कोई नहीं, कि अपने पास में कैंप लगा के सो जाऊंगा अगले दिन करके। पुलिस वाला रात अगर कैंप वैम्प कहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। अरे आप यात्री हो, सपोज करो कोई बंदा पैदल चल रहा है, नहीं पहुंच पाया अपनी डेस्टिनेशन तक, तो क्या करेगा आदमी? नहीं नहीं, ये है। हाँ जी सर, ये है। ये हाँ, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब कर लें हमें। बिल्कुल सर, बनता ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बिल्कुल सर। तो पहले कभी गए हो कहाँ? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ फर्स्ट टाइम। पता नहीं है इनको भी कि पास। हाँ मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो उधर से आया हूँ, चलता हुआ आ रहा हूँ अभी तो। बाकी अगर पास ठीक कहेंगे तो पुलिस वाला खुद अपने आप कर देगा, वहाँ रेस्ट कर लूँगा अगले दिन, फिर दोबारा चला जाऊँगा। कोई नहीं, ऑनलाइन ही करवाना। जहाँ तक भी जा सकते हैं, कोशिश तो पूरी रहेगी फिर यहाँ तक आए तो। चलो ठीक है लोग, आप इंजॉय करो। ठीक है बड़े भाई। चाचा कितने का है भुट्टा? 50 रुपये का एक। बड़ा महंगा लगा रहे हो यार। कोई नहीं, रहने दो, रहने दो भाई। देख रहे हो कितना महंगा सामान है यहाँ पे, एक भुट्टा ही 50 रुपए का दे रहा है चाचा। 70-80 रुपए में तो पूरी की पूरी थाली खा लूंगा। खैर कोई नहीं, अब जहाँ पे रुकूंगा ना वहीं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा भूख भी लग रही है। और कुछ बिस्कुट वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब कुछ लेके भी चलने पड़ेंगे, क्योंकि तो पता नहीं है कहाँ कैंपिंग करनी पड़ जाए मेरे को, तो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पूरी तरह। Notice what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. अभी भाई थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, थक गया हूँ काफी ज्यादा। ऑलमोस्ट लगा लो कम से कम 4-5 किलोमीटर था वो टनल वो रहा, वहां से लेके यहाँ तक पैदल ही आया हूँ। अभी थोड़ा सामान यहाँ पे रख दिया है और रेस्ट कर रहा हूँ हल्का सा। अरे लिफ्ट मिलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जितने भी ऑलमोस्ट टूरिस्ट आते हैं ना सबकी सब गाड़ी भरी हुई है। तो बाकी कोशिश कर रहा हूँ कोई ट्रक वगैरह कुछ मिल जाए, कोई लोकल बंदा मिल जाए स्पीति वैली साइड का, तो उससे लेने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल भाई यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये इधर ना पूरे में खेत हैं, आपको मैं ना इनके खेत दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये खेत हैं इनके, देखो ये देखो, मतलब कि इतना हिस्सा है बस, इतना जितना ये दिख रहा है ना आपको, ये खेती के लिए है। बाकी तो खैर पूरे में पहाड़ी पहाड़ है, मतलब यहाँ पे कम वो होती है ना फसल, जितनी भी होती है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो सेब वगैरह ये सारी चीज़ होती है, लीची वगैरह ये सब कुछ है। तो ये है भाई ना, इधर भी खेत है, अभी इसमें भी कुछ काम वाम चल रहा है इस टाइप से। तो खैर फिलहाल कोई नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं लिफ्ट मिलती है तो, नहीं तो यहीं रुकूँगा आज के लिए, देन उसके बाद में कल फिर आगे बढ़ा जाएगा। नेटवर्क नहीं आ रहे भाई यहाँ पे, पता नहीं कैसे व्लॉग अपलोड होगा, लेकिन कर दूंगा भाई।
प्यार करो हम लोग। मेरे को हंसी आ रही यार भाई, अकेला होता हूँ यहाँ तक यार, इतनी दूर तक पहुँच गया यहाँ पे। जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है वो मुझसे हर कोई ये कहता, बोला भाई कैसे आए हो। मैंने कहा भाई लिफ्ट ले लेके आया हूँ मैं यहाँ तक, और अगर लिफ्ट नहीं मिलती तो पैदल चलता रहता हूँ। तो भाई हर कोई एकदम ना ऐसे हो जाता है, हैप में रह जाता है, एकदम शौक हो जाता है, बोला हाँ इतनी दूर से कहाँ से हो। मैंने कहा बुलंदशहर से है। तो भाई ऐसे ही है, कसम से मज़ा आ रहा है फूल। अभी सोच रहा हूँ आगे जाके कुछ मिल जाए दुकान में तो बिस्कुट विस्कुट कुछ ले लूँ अपने लिए। और अभी एक चाचा से मैं वो ले रहा था भुट्टे, 50 रुपये के दे रहा था। बड़ा बुरा हाल है यार। बड़ी महंगाई है कसम से, क्या करें। खैर कोई नहीं, कोशिश करते हैं आगे तो भगवान जाने, जन खाना भी पता नहीं कितने रुपये का मिलेगा, हो सकता है पानी पी पी के जी के जीना पड़े। बट यार कसम से मज़ा आ गया। ये देखो भाई अब बर्फ़ स्टार्ट हो गई, बर्फ़ है इधर ना पूरे में, देखो पूरी कैसे काली हुई पड़ी है, देख रहे हो। मतलब कि ये बहुत टाइम पहले गिरी होगी बर्फ़, इस वजह से ऐसे हो गई, एक ब्लैक आइज हो गई है। तो वैसे इन पर हाथ वाथ लगाना भी सही नहीं भाई, देख रहे हो बर्फ़ कैसे पिघल पिघल के जा रही है। तो इस साइज पे ना हाथ वगैरह भी लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इसके अंदर कुछ बर्फ़ में कीड़ा वगैरह होता है, अगर वो लग गया ना तो ये समझ लो पूरा का पूरा वहीं से पार्ट काटना पड़ जाता है। तो इसलिए जो काफ़ी लोग आते हैं ना वो उंगली करते हैं इसमें, तो सही नहीं है। देख रहे हो ब्लैक आइज है भाई, पूरी पूरी पिघल रही है, क्योंकि धूप पड़ने लगी ना अब अच्छी खासी। सही है भाई, मस्त नज़ारे हैं। अभी तक मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिली भाई, ऑलमोस्ट ये लगा लो 5-6 किलोमीटर अटल टनल से लेके यहाँ तक आ गया मैं। और अभी यहाँ से आगे एक जगह पड़ेगी, पता नहीं कौन सी थी, 2-3 किलोमीटर और है वो। आज मेरे को लगता है वहीं तक ही पहुँच पाऊँगा खाली, फिर जाके कैंपिंग वगैरह कर लूँगा, फिर आराम से सोऊंगा भाई, क्योंकि थक गया काफ़ी ज़्यादा मैं। और अटल टनल भाई बहुत दूर है उधर पहुँच गया अब तो, क्योंकि यार इधर ना जितने भी आते हैं बंदे सब टूरिस्ट हैं, और भाई टूरिस्ट कोई गाड़ी रोकता नहीं है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट पहले से फुल होके ही आते हैं। कोई अगर इनका होगा हिमाचल प्रदेश का तो लिफ्ट दे भी सकता है, बाकी सब ऐसे आते हैं यार। ये देखो है ना, पूरी की पूरी गाड़ियाँ पैक होके आती हैं पहले से ही ऑटोमेटिकली क्या मतलब पहले से पे। ओ भाई सामने भाई नदी दिखाता हूँ अभी, देखो ये देखो सब बाहर की गाड़ियाँ हैं। ये अपना HR की गाड़ी थी, और ये देखो भाई नदी कितनी भयंकर है यार। ओहो कसम से जन्नत है भाई, जन्नत। मजा आ रहा है फुल टू फुल। स्पीति तक जाओगे? स्पीति तक 2 किलोमीटर तो यहीं तक छोड़ दो बड़े भाई। चलो भाई लिफ्ट मिली तो सही। बड़े भाई स्पीति कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Yeah, biscuit वगैरह हैं क्या? Biscuit है जी. ऐसा दे दो कोई क्रीम व्रीम वाला हो, क्रीम टाइप का. क्रीम में ओरियो आएगा. भाई अभी जहाँ पे मैं हूँ ना यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास में स्पीति वैली है, बट अभी क्या है कि वहाँ पे ना पूरा का सब कुछ बंद हो गया, जो रोहतांग पास है ना वो बंद किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है। तो जितनी भी ऑलमोस्ट गाड़ी है ना सब इधर से वापस आ रही है भाई, मेरी जितनी मेहनत है पूरी खराब गई भाई। मेरे को कुछ भाई लोग मिले थे ये राजस्थान से अपने, क्या क्या नाम भाई आपका? जय किशन जय। आपका नाम क्या भाई? अरविंद। आपका नाम? पवन। तो ये मेरे को भाई लोग मिले, तो इनसे मैंने पूछा कि भैया कैसे कैसे, तो इन्होंने बताया कि हम लोग भी सुबह से निकले हुए थे बाइक वगैरह लेके, बट ये कि आगे जाने नहीं दे रहे हैं तो बंद है, तो अगर आप भी ना जाओ तो भी अच्छा है। तो क्या क्या बोला उन्होंने उधर? उन्होंने बोला अभी तो शाम को तो जाने नहीं देंगे, सुबह जाएंगे और शाम को वापस आने की एंट्री है। अच्छा उधर किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं वहाँ पे? वैसे बर्फबारी ज़्यादा है वहाँ पे। तो भाई अभी ऐसा ही है कुछ, तो फिलहाल अभी मैं मनाली के लिए वापस जा रहा हूँ, तो कभी फिर इन फ्यूचर में दोबारा से आऊँगा तो जब एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ फ़ायदा नहीं है लिफ्ट लेके इधर दूर तक मैं जाऊँ भी, और फिर वहाँ जाके थोड़ा मेरे को फिर वापस आना पड़े रात में, मेरे को दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा ना। तो बाकी फिलहाल भाई जैसे यहाँ के व्यू है ऐसी स्पीति वैली के व्यू होंगे, तो आप इसको देख लो। और अभी भाई लोगों के साथ में मैं जा रहा हूँ वापस मनाली के लिए, और अभी मैंने भाइयों को अपना चैनल भी सब्सक्राइब कराया है भाई, कमेंट करेंगे। तो आप राजस्थान में कहाँ से हो भाई? जोधपुर। अच्छा जोधपुर से हो, आप भी जोधपुर से हो? तो अभी कितने दिन का ट्रिप है आपका यहाँ पे? 5 दिन रुकोगे अभी? 5 दिन का। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा, मज़ा आया बढ़िया एकदम। राजस्थान में तो गर्मी होगी अभी काफ़ी ज़्यादा है। चलो भाई अभी मैं जा रहा हूँ भाई लोगों के साथ में ना, तो फिर मनाली जाके फिर आए का देखते हैं क्या प्लान होता है। There
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. स्पीति वैली तो जा नहीं पाया, लेकिन यार कोशिश करूंगा दोबारा से जाने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ ना बंद है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है बहुत भयंकर तरीके से, तो वहाँ पे पुलिस और फोर्स वगैरह कुछ भी जाने नहीं दे रही है अभी फिलहाल। मेरे को एक हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे को होस्ट किया है। पहले ही मैं आया था यहाँ से, जब निकल के जा रहा था ना, तो बड़े भाई ने मेरे को लिफ्ट दी थी, तो भाई ने कहा था कि मेरे पास आना, तो अभी उन्हीं के पास मैं आया हूँ। भाई मैंने कैंपिंग वगैरह की है, ऊपर की साइड में कैंप लगा लिया है, तो अभी यहीं पर रुक रहा हूँ फिलहाल मैं। और अभी कल मेरे दोस्त भी आ रहे हैं बुलंदशहर से कुछ, तो उनके साथ मैं कुछ घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, और बाकी देखते हैं भाई। अभी तो हिमाचल बहुत बड़ा है, बहुत जगह है घूमने के लिए ना, तो सब जगह घूमा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई स्पीति वैली नहीं जा पाया तो कि मतलब कि ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बट खैर कोई नहीं भाई, अपना करेंगे जैसे जैसे होगा ना। अभी फिलहाल हिमाचल बहुत बड़ा है तो और जगह घूमूंगा, देन स्पीति वैली भी कभी ना कभी भाई आ ही जाऊँगा दोबारा से, सोचा हुआ है जब मैं बाइक वगैरह लूँगा, देन उसके बाद मैं दोबारा से करूँगा लद्दाख वगैरह, क्योंकि लद्दाख भी जाना ना थोड़ा भी रिस्की है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये वहाँ पर लिफ्ट वगैरह नहीं मिलती है, और रात में मेडिसिन वगैरह की दिक्कत हो जाए कुछ भी, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है, वह घर वगैरह इतने नहीं है, तो भाई काफ़ी सारे सेफ्टी रीजंस वगैरह हैं जिनकी वजह से मैं नहीं गया हूँ। खैर फिलहाल कोई नहीं, अभी आ गए, मिलते हैं आपसे और नए नए नेक्स्ट व्लॉग में, और कल से भाई और अपना देखेंगे, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करेंगे मनाली में। अभी बुलंदशहर से अपने जैसे मैंने बताया दोस्त आ रहे हैं, तो उनके साथ में घूमता हूँ, और अभी फिलहाल भाई सोता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया हूँ, अभी जस्ट मैंने खाना ही खाया है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लो यार। With you, I don't ever feel good.